नमस्कार, स्वागत है आपका इससे न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी एक गलती अनचाहे गर्भपात की वजह बन सकती है। शायद इसी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से परहेज करते हैं। कई लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक मानते हैं। ज्यादातर लोग प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पार्टनर के साथ सेक्स करना बंद कर देते हैं, जबकि मेडिकल साइंस लोगों के इस गलत फहमी को सिरे से खारिज करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई फिजिकल और हार्मोनल बदलाव आते हैं। इस दौरान महिला पार्टनर के मन में सेक्स की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है। ये सच है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं के लिए सेक्स ज्यादा आनंदमय होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सेक्स सिर्फ एक यौन सुख ही नहीं है, बल्कि पार्टनर से ज्यादा बेहतर कनेक्ट होने का जरिया भी है। स्थिति में महिलाओं के शरीर का रक्त प्रभाव भी काफी तेज हो जाता है और सेक्स ड्राइव भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि वे सेक्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स ना करने की अफवाह से डरने के बजाय उसके बारे में बेहतर समझने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी किसी भी स्टेज पर सेक्स करने से कोई खतरा नहीं होता। इस दौरान व्यक्ति को तब तक घबराने की जरूरत नहीं है जब तक प्रेगनेंसी में किसी तरह की समस्या नहीं होती। मिसकैरेज का खतरा या ज्यादा ब्लीडिंग होने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान भी पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सेक्स के दौरान साफ सफाई सबसे गंभीर मुद्दों में आता है। सेक्स के दौरान सेफ्टी कॉन्डम का इस्तेमाल करना ना भूलें। इस दौरान सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ESTD की चपेट में आने से प्रेगनेंसी में खतरा बढ़ जाता है। यदि आप प्रेगनेंसी में सेक्स कर रहे हैं तो पार्टनर के कंफर्ट और पोजीशन का भी ख्याल रखें। ऐसे में ऑन द टॉप पोजीशन सबसे सेफ मानी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में कब सेक्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की स्थिति में डॉक्टर सेक्स ना करने की सलाह देते हैं। दूसरा, फ्लूइड के लीक होने पर बच्चे की जान को खतरा होता है। इस कंडीशन में भी सेक्स नहीं करना चाहिए। कमजोर गर्भ का मतलब आपके पेल्विक फ्लोर बच्चे और सेक्स को सपोर्ट करने में कारगर नहीं है। इसलिए सेक्स करने का इरादा बदल दें और तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको पहले भी मिसकैरेज की समस्या हो चुकी है तो सेक्स करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपके गर्भ में जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो स्थिति में सेक्स करने से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक आकार में आने वाले बदलाव के कारण सेक्स की स्थिति भी काफी बार हो सकती है। इसलिए अपनी परेशानियों और तकलीफों को अपने पति से जरूर बांटें। जिस प्रकार से आप ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं, जीवन के इस मोड़ पर भी अपने पार्टनर्स के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना ही सब कुछ है। एक दूसरे को समझें, उनकी जरूरत और स्थिति को समझें। आत्मीयता बनाए रखने के लिए सेक्स एकमात्र तरीका नहीं है। एक दूसरे को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि हमारे इस इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा जरूर हुआ होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।